हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम लोग पुट ऑप्शंस को जब खरीदते हैं तो उसमें हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय पुट ऑप्शंस को खरीदने के बाद उसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ये चीज मैं आपको अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी लगा करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट देख रहे होते हैं प्रीमियम के चार्ट पर भी आपको अपना स्टॉप लॉस दिखाई देता रहेगा। तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप भी जानना चाहते हैं तो, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया जाए कि कैसे पुट ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आप माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप और मोबाइल फोन को लॉगिन कर लिया है एंजल वन के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा निफ्टी 50 का भी चार्ट ओपन है और प्रीमियम का भी चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। निफ्टी 50 जो है वो मेजर यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है एंड सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। मॉर्निंग हाफ में देख सकते हैं मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, अब नीचे की तरफ आया है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है और मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो हमारा व्यू है कि अब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके थोड़ा सा और फिर से नीचे की तरफ जाएगा, सो देट हम लोग यहाँ पे पुट साइड में अपना पोजिशन बनाएंगे। एंड यहाँ पे देखना होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ बेरिश हो पाते हैं या फिर नहीं, तो आगे देखना होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पे प्रीमियम का भी चार्ट देख सकते हो, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस करेंगे, देख सकते हो अभी हमने 21,700 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग इस वाले स्ट्राइक प्राइस के अंदर अपना पोजिशन बना करके रखते हैं। अभी इसका प्रीमियम लगभग 170 रुपये के आसपास चल रहा है और निफ्टी 50 हमारा व्यू है कि नीचे की तरफ जाएगा, सो दैट इसका प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा और हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो अभी यहाँ पे मैं मोबाइल फोन का यूज करूंगा, तो मोबाइल फोन के अंदर मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है एंड अभी 21,700 का स्ट्राइक प्राइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अभी इसका प्रीमियम 170 रुपये के आसपास चल रहा है, मैं बाय पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक लॉट में सेलेक्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे आप चाहें तो लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हैं या फिर मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट कर देता हूँ 165 रुपये। नीचे की तरफ आपको मार्जिन दिखाई देगा, इतने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। सिंपली अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक कर दूंगा, इसके बाद कंफर्म कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा लिमिट लग चुका है और ये चीज आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। तो हमारा चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि किस प्राइस पे हमने यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। अभी तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सेम चीज आप मोबाइल फोन के अंदर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर वाले टैब के अंदर आना होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन ऑर्डर के अंदर पेंडिंग हमारा ऑर्डर शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है एंड ये चीज आप पोजिशन के अंदर देख पाएंगे अपना PNL और किस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, LTP वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 160 रुपये डाल देता हूँ एंड लिमिट प्राइस में आपको थोड़ा सा ट्रिगर प्राइस से कम डालना होगा एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा बफर देना होगा 1-2 रुपये का। एंड सिंपली अभी मैं यहाँ पे सेल पर क्लिक कर दूंगा और कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 158 रुपये 160 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही ये रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ इसको टच करता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। एंड यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर भी देख सकते हो अभी हम लोग लगभग ब्रेक इवन के आसपास हैं, ठीक है, 12-30 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हो, निफ्टी 50 का कैंडल जो है वो ग्रीन बना हुआ है, अगर फिर से एक ग्रीन और कैंडल बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे स्टॉप लॉस काम करता है। एंड अगर निफ्टी 50 गिर जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका PNL भी इसी चार्ट के ऊपर भी शो करेगा एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड प्राइस इसका ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अगर निफ्टी 50 नीचे की तरफ गिरता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा ग्रीन कैंडल बनाएगा तो फिर प्रीमियम का चार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट करा देगा। तो देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर नहीं। हम लोग 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम हमारा 250 का लॉस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 250 का लॉस हम लोग लेकर के इस पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। तो ये फायदा होता है स्टॉप लॉस लगाने का,
यानी कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं तो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है वो पुल बैक में तीन बड़े बड़े और ग्रीन कैंडल बनाए हुए हैं, सो दैट हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन हमारा लिमिट लॉस है जो कि हमने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ था 250 रुपए के अंदर, तो हमारा उतना ही लॉस हुआ है एक पर्टिकुलर लॉट के अंदर। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है स्टॉप लॉस का। एंड यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर अपना ऑर्डर का डिटेल चेक कर सकते हो कि 165 रुपए पे हमने बाय किया हुआ था, 160 रुपए पे हमने एग्जिट कर दिया, टोटल बाय वैल्यू और सेल वैल्यू टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसका और डिटेल चेक करना है, पोजिशन के अंदर आएंगे, सिंपली आप यहाँ पे ट्रेड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा सेम चीज कि कितने पे आपने बाय किया, कितने पे सेल किया, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बाय वैल्यू सेल वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे एंजल वन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय पुट ऑप्शन को खरीदने के बाद स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी करके दिखाया और सेम चीज मैंने मोबाइल फोन के अंदर ऑर्डर को प्लेस किया हुआ था। अगर आपके पास सिंगल डिवाइसेस हैं तो भी आप ये चीज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पुट ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएगा ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। और दोस्तों अगर आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप मेरे ये वाले पीडीएफ नोट्स को यूज कर सकते हो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस नोट्स को बाय करना चाहते हो तो इस नोट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से इस नोट्स को बाय कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो एंजल वन एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।